दो उल्लू। दो उल्लू एक पेड़ पर बैठे बातें कर रहे थे। एक के पंजे में सांप था तो दूसरे के पंजे में चूहा। तब एक उल्लू दूसरे उल्लू से कहता है, अरे वाह, आज तो तुम्हारी सांप की दावत है। तुम सांप को खाओगे और मैं सांप के मनपसंद खाने चूहे को खाऊंगा। हाँ रे, और देखो सांप कैसे चूहे को देख रहा है, उसके मुंह में भी पानी आ गया। पागल कहीं का, खुद मरने वाला है फिर भी चूहे को खाने की लालच नहीं छोड़ रहा। दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे, उधर सांप के मुंह से लार टपक रही थी। वो ये भूल गया था कि वो पहले से ही मौत के शिकंजे में फंसा हुआ है। वो मन ही मन सोच रहा था, काश मरने से पहले ये चूहा खाने को मिल जाए तो शांति से मर सकूंगा। सांप की लालसा बढ़ रही थी तो चूहा भी सांप को देखकर डर रहा था। वो भी भूल गया था कि वो भी मौत के शिकंजे में ही फंसा हुआ है। वो भी मन ही मन सोच रहा था, हे भगवान, कोई तो मुझे सांप से बचाओ, देखो कैसे मुझे देख रहा है, हट, जैसे कि मुझे खा ही जाएगा। चूहा सांप से भयभीत हो रहा था। तब वो सांप से कहता है, क्या रे सांप, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तो तुझे खाना चाहता हूँ, बस एक बार इस उल्लू के पंजे से छूट जाऊं। बड़ा आया उल्लू के पंजे से छूटने वाला, खुद तो उल्लू के मुंह का निवाला बनने वाला है और फिर भी मुझे खाने का प्लान कर रहा है। तो तुम भी कौन सा उल्लू से बचने वाले हो, पर फिर भी मुझसे ही डर रहे हो ना? हाँ रे, क्या ये नहीं हो सकता कि हम दोनों इन उल्लुओं से बच सके? हमें एक दूसरे का शिकार करने से बेटर इन दोनों से बचने के बारे में सोचना चाहिए। सांप और चूहा दोनों खुद की जान उल्लू से बचाने के बारे में सोचने लगे। उन्हें ऐसे देख कर उल्लू दूसरे उल्लू से पूछता है, अरे उल्लू, ये सांप खुद मौत के मुंह पर है पर फिर भी चूहे को देखकर खुश क्यों हो रहा है? क्योंकि सांप की जीभ की इच्छा इतनी प्रबल है कि उसे उसके सामने जो मौत खड़ी है वो दिखाई भी नहीं दे रही। वो तो ठीक है, पर ये चूहा भी तो मौत के सामने खड़ा है, पर वो भी तो सांप से डर रहा है, हमसे जरा भी नहीं डर रहा। क्योंकि चूहा इससे भयभीत है कि सांप उस पर हमला ना कर दे। इसका मतलब है कि डर या भय हमेशा मौत से बढ़कर रहता है। पहले उल्लू के पंजे में कुछ हलचल महसूस हुई। उसने दूसरे उल्लू से कहा, अरे ये सांप देखो हमारे पंजे से छूटने की कोशिश कर रहा है, चलो पहले इसे ही खाकर मामला ही खत्म कर देते हैं, फिर आराम से बतियाएंगे। ऐसा कहकर वो दोनों भी अपने अपने शिकार को मारकर खा लेते हैं। सांप और चूहे का अंत हो जाता है। इस कहानी से ये साबित होता है कि मौत से हम भयभीत नहीं हैं, हम भय से ज़्यादा भयभीत हैं। और इंद्रियों का लोभ इतना बड़ा है कि मौत 24 घंटे हमारे सामने खड़ी हो तो भी हमें दिखाई नहीं पड़ती, हम जीभ के स्वाद में फंसे रहते हैं। भूखी गोरैया। कुछ समय पहले एक जंगल में एक गोरैया बहुत खुशी से रहती थी। एक दिन वहाँ खाने की तलाश में निकलती है। कितना भी ढूंढने पर उसे आहार नहीं मिलता। इससे थकी हारी एक पेड़ पर बैठकर चिंता में डूबी रहती है। हाय रे, बहुत भूख लगी है। कितना भी ढूंढने पर फल क्या, एक अनाज का दाना भी नहीं मिला। यहीं बैठी रही तो भूख से मर जाऊंगी। फिर से प्रयत्न करती हूँ। इस तरह गोरैया थोड़ी दूर जाती है। एक घर के पास एक पिंजरे में बंधा तोता ने उसे बुलाया, दोस्त दोस्त, तुम कितनी भाग्यशाली हो, आराम से हवा में उड़ सकती हो और तुम्हें कोई कष्ट भी नहीं है, तुम मजे से अपना जीवन बिता सकती हो। लेकिन मेरा जीवन पिंजरे में बंधा है, सुबह से कुछ नहीं खाया, दया करके एक फल ला दो। क्या? अरे मेरा ही कुछ ठिकाना नहीं, तो तुम्हारे लिए कहां से लेकर आऊं? वहां से उठकर थोड़े दूर जाने के बाद एक अमरूद का पेड़ उसे बुलाता है। गोरैया गोरैया, कहां जा रही हो? अरे मुझे बहुत भूख लगी है, खाना ढूंढ रही हूँ। अच्छा, अब मुझे बहुत प्यास लगी है,
कुछ दिनों से मुझे कोई भी पानी नहीं दिया, तो पहले थोड़ा पानी तो पिला दो। तुम भी ना, मैं बहुत भूखी हूँ तो तुम मुझसे पानी मांग रहे हो। ये कहकर वहां से चली जाती है। आहार ढूंढते हुए थोड़ी दूर जाती है, वहां जाल में फंसा एक हाथी का बच्चा बुलाता है। गोरिया, गोरिया, प्लीज प्लीज मुझे इस जाल से बचाओ, तुम्हारा जीवन भर आभारी रहूंगा। हाय रे, भूख से मेरी बुरी हालत है, तो तुम्हें कैसे बचाऊं? मुझसे नहीं होगा, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर वहां से चली जाती है। कितना भी ढूंढने पर उसे आहार नहीं मिलता। इससे थककर गोरिया एक पानी के खड्डे के पास जाती है। वहां पर एक चूहा उसमें गिर के तड़पता रहता है। चूहा उसे देखकर कहा, समय पर आए हो गोरिया, पानी से बाहर निकालने में प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज। हे भगवान, लगता है आज मेरा दिन ही खराब है, भूख से बहुत कमजोर हो गई हूँ, मुझसे उड़ा भी नहीं जाता, तो तुम्हें बाहर निकालने की शक्ति कहाँ से लाऊं? मुझे माफ कर दो। इतना कहकर वहां से उड़ जाती है। पता नहीं आज मुझे खाना क्यों नहीं मिला, खेड़ खेड़ में मैं बहुत कमजोरी हो रही हूँ। इतना कहकर इधर उधर देखते रहती है। इतने में जमीन पर उल्टा पड़ा हुआ एक कछुआ बुलाता है। अरे गोरिया, एक क्षण के लिए इधर आओ और मुझे बचाओ, मैं अचानक उल्टा पड़ गया हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ी देर हुई तो मैं भी नीचे गिर जाऊंगी। ये कहकर थोड़ी दूर जाती है। कमजोरी के कारण गोरिया नीचे उतर कर बैठ जाती है। इतने में वहां दूसरी गोरिया आती है। उसे भूख लगे कहने पर तुरंत जाकर अपने पास छुपा हुआ खाना लाकर उसे देती है। गोरिया उसे खाकर ठीक हो जाती है। दोस्त, भूख के कारण मैं मरने वाली थी, तुमने मुझे बचा लिया, सदा तुम्हारी आभारी हूँ। अच्छा ठीक है, हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, कष्ट आने पर सहायता करने वाला ही सच्चा मित्र है। चलो तुम चलो दोस्त, मैं बाद में आती हूँ। सच है, हमें कितने भी कष्ट हो, लेकिन दूसरों के कष्ट के समय में हमें सहायता करनी चाहिए, अपनी गलती सुधारती हूँ। ये कहकर तुरंत कछुए के पास आकर उसे साधारण स्थिति में पलटती है। बाप रे, बच गई मैं, तुम कितनी अच्छी हो, इसीलिए तुम वापस आए। अच्छा ठीक है, अब हमें चूहे को बचाना है। क्या, चूहा कहाँ है? वो उधर पानी में गिरकर तड़प रहा है, चलो चलकर बचाएं। इस तरह चूहे के पास जाते हैं। तुरंत कछुआ पानी में उतरकर चूहे को बाहर निकालता है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे बचाया। दोस्त, वहाँ हाथी जाल में फंसा है, हमें उसे बचाना चाहिए। इस तरह हाथी के पास जाते हैं। तुरंत चूहा जाल को कुतर कर हाथी को बचाता है। दोस्त, तुमने मुझे बचा लिया, मैं बहुत खुशी हुई। दोस्त, तुम्हें एक सहायता करनी होगी, पेट बहुत प्यासा है, तुम अपने सुन में पानी भरकर उसे पानी पिला दो प्लीज। अच्छा ठीक है, चलो। हाथी सुन में भर कर लाया हुआ पानी अमृत के पेड़ में डालता है। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा सारा प्यास बुझ गया, मैं तुम्हें बहुत सारा फल दूंगा। हाँ, लेकिन तुम्हारे फल की जरूरत मुझे नहीं, लेकिन उस पिंजरे में बंधा तोता बहुत भूखा है, उसे जरूर देना होगा। हाँ ठीक है, तुम ले जाकर देना। इस तरह अगले दिन गोरिया आते ही पेड़ बहुत सारे फल देता है, तो गोरिया उन्हें पिंजरे में बंधा तोते को देता है। दोस्त, मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन तुमने मेरी भूख मिटाई, मैं बहुत खुश हूँ, तुम सदा खुश रहो। हाँ दोस्त, दूसरों के कष्ट को मिटाने में ही हमारी असली खुशी है,
मुझे भी मेरी दोस्त से पता चला है, इसीलिए मेरी गलती सुधारने के लिए आई हूँ। तुम हमेशा मुझसे मिलने जरूर आना दोस्त। अच्छा, मैं जरूर आऊंगी दोस्त। इस तरह गोरिया खुशी खुशी वहां से चली जाती है। तब से हाथी, चूहा, कछुआ, गोरिया और तोता अच्छे दोस्त बनकर रहते हैं। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।